दोस्तों आज की रेसिपी है मस्टर्ड ग्रीन लीव्स और मछली के मसालेदार करी। हमने लिया है हरा भरा ताजा ताजा मस्टर्ड ग्रीन लीव्स। इसको हम हिंदी में राई के पत्ते, सरसों का साग, एसएमएस में लाई के पत्ते, लाई साग भी बोलते हैं, जिसके पत्ते को बारीक तोड़ के हम अच्छी तरह पानी में धो लेंगे। हमें इसको बारी बारी करके पानी में कम से कम 2-3 बार धो लेना है। पत्तों को पानी में अच्छी तरह धो लेने के बाद पानी को निचोड़ के एक बर्तन पे निकाल लेना है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा प्लीज। इधर कढ़ाई गर्म हो गई है और कढ़ाई पे डाल दिया है तेल और तेल पे तलेगा अब मछलियाँ। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं सरसों का साग बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। राई का साग या फिर सरसों के साग की कोई भी रेसिपी में बहुत ही हल्का फुल्का मसाला यूज होती है, जिसके कारण ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होती है। मछलियों के सारे पीसेस को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और इसको फ्राई करने के बाद अलग से एक बर्तन पर निकालेंगे। लीजिए हमारे सारी मछलियाँ हो गई है फ्राई। फ्राई करने के बाद बचे हुए तेल में आप ऐड करेंगे कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और कढ़ाई पे डाल देंगे सारे राई के पत्ते। राई के पत्ते को कढ़ाई पे डालने के बाद उसको थोड़ी देर अच्छी तरह पका लेंगे। हमने इसमें पत्तों के मोटे वाले हिस्से भी यूज किए हैं जो पकने के बाद बहुत ही टेस्टी होती है। नमक ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से। नमक डालने के बाद थोड़ी देर सौंठ लेंगे और उसके बाद ढक्कन से ढक के करीब 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो गई है, अब ऐड करेंगे मसाले पाउडर। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच 5 फोरन पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। सारे मसाले पाउडर और पत्तों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन से ढक के करीब 2 मिनट तक पकाएंगे। लीजिए 2 मिनट हो गई है, थोड़ी सी सॉल्ट लेने के बाद अब ऐड करेंगे पानी। पानी डालने के बाद अब ऐड करेंगे उसमें सारे फ्राई किए हुए मछलियां। ऐड करेंगे थोड़ी सी और पानी ग्रेवी के लिए और ग्रेवी के पानी डालने के बाद अब हम ढक्कन से ढक के इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। लीजिए 15 मिनट हो गई है, सब्जी की ग्रेवी भी हल्का सा गाढ़ा हो गई है, सारे मसाले मछलियाँ और सरसों का साग भी अच्छी तरह पक चुकी है और अब गैस स्टोव के नॉक को ऑफ करेंगे और चलिए सर्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।